सदर ममलुकत को इलेक्शन की तारीख के लिए अहकाम देने के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई। जस्टिस जवाद हसन ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, 90 रोज का इंतजार कर रहे हैं, अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर देखूंगा। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। सदर ममलुकत को इलेक्शन की तारीख के लिए अहकाम देने के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी गई, जो कि लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई। मजीद उनके जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी अशफाक जी, बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख देने के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दायर दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि मैं अभी 90 दिन का इंतजार करूंगा और फिर देखूंगा कि किसने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, अभी तो काफी टाइम पड़ा है। जस्टिस जवाद हसन ने यह भी कहा कि जो दरख्वास्त आई है ये कबल वक्त है और अभी इस हवाले से काफी टाइम पड़ा है। जस्टिस जवाद रूबरू दरख्वास्त गुजार ने यह कहा कि अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि खबरों में तो आया है कि ECP गवर्नर से मुशावरत कर रही है और अभी इंतजार किया जाए। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि गवर्नर का एक ओहदा है, उसकी हम सब ने मिलकर इज्जत करनी है। जस्टिस जवाद हसन ने दायर दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। ठीक है, शुक्रिया अशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे।